अपने पॉपकॉर्न्स के ऊपर आप साबुन डाल लें, आपको ये दिक्कत फिर कभी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, एक ऐसी किचन की खास टिप जो आपको पॉपकॉर्न और साबुन के साथ मिला के बनानी है और ये इतनी शानदार है जो आपकी कई सारी किचन की समस्याओं को ख़त्म कर देगी। इसके लिए दोस्तों हमने कुछ पॉपकॉर्न्स ले लेने हैं और अब इसको आपको हल्का सा भून लेना है, ताकि आपके पॉपकॉर्न जो है वो तैयार हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे भला पॉपकॉर्न के साथ साबुन कौन मिलाएगा और ऐसा क्या बनेगा जो आपकी किचन में ढेर सारे काम आने वाला है, घर में ढेर सारे काम आने वाले हैं। जी दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, पॉपकॉर्न्स को आज हम मिक्स कर रहे हैं एक साबुन के साथ, साबुन नॉर्मल साधारण जो बाज़ार में मिलता है उस साबुन के साथ। आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है राजीव जी को और रंजन जी को गुवाहाटी से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से इनको भूनना शुरू कर दिया है, बस आपको इसको अच्छे से भून लेना है। भून के आपको पॉपकॉर्न्स को तैयार करना है। हल्का सा ऑयल इसलिए डाला है इससे आसानी से पॉपकॉर्न झटपट भूने जाते हैं, और भूनने के बाद हमने इसमें साबुन का इस्तेमाल करना होगा। वो साबुन कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा अभी आपको बताता हूँ विस्तार में। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, साबुन कोई भी आप ले सकते हैं इस किचन टिप के लिए, जो भी घर पे रखा हो आपका इससे काम चल जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपके ये जो पॉपकॉर्न्स है भुनने लग जाएंगे, हम इसको ढक देंगे ताकि जो पॉपकॉर्न्स फूल रहे हैं वो उछल के बाहर ना गिरे। अभी इसमें आधे पॉपकॉर्न्स तो हम खा लेंगे और बाकी आधे पॉपकॉर्न्स हम किचन टिप में इस्तेमाल करेंगे। उस किचन टिप के इस्तेमाल में आप देखेंगे कि ये कितने ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। तो देख सकते हैं पॉपकॉर्न जो है हमारे फूलना शुरू हो चुके हैं, मैं इन्हें ढक लेता हूँ ताकि ये उछल के बाहर ना गिर जाएं। तो जो किचन टिप है जिसमें पॉपकॉर्न और साबुन का इस्तेमाल होने वाला है, माना जा सकता है कि सबसे काम का किचन टिप भी हो सकता है आपके लिए। तो जो पॉपकॉर्न है वो हमारे फूलने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। अब आप कीजिए ढक्कन बंद और पॉपकॉर्न को उसके बाद फूलने दीजिए, और जैसे ही फूल जाए इसको फटाफट एक बर्तन में निकाल लीजिए। यह आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न सारे के सारे फूल चुके हैं, तो गैस अब कर रहे हैं बंद, और उसके बाद इसको हल्का हिला भी लीजिए ताकि कोई अगर रह गया हो पॉपकॉर्न तो वो भी पक जाए। गैस बंद कर दिया है तो अब ढक्कन को हटा लेते हैं। ये देखिए, तो अब ये जो पॉपकॉर्न हैं इसमें मैं सिर्फ थोड़े से पॉपकॉर्न निकाल रहा हूँ किचन टिप के लिए, तो ये एक दो मुट्ठी भर सिर्फ एक बर्तन में ले लीजिए, बाकी हम खा लेंगे, साइड रखते हैं। तो ये हमने खाने के लिए रखे और इससे किचन टिप तैयार करेंगे। तो चलिए किचन टिप तैयार करने के लिए इनको हम सबसे पहले मस लेंगे। थोड़े से पॉपकॉर्न इनको अच्छे से रगड़ लीजिए, इनको छोटा छोटा कर लीजिए। अब हम इसके साथ एक खास साबुन का इस्तेमाल करने वाले हैं। साबुन सभी के घर में होता है, किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी साबुन हो, उस साबुन को आपने एक ले लेना है इन सारे पॉपकॉर्न्स को क्रश करने के बाद। क्रश करके कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब जो साबुन हमने लिया है उसको हम कद्दूकश करेंगे इसके ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे साबुन को क्यों कद्दूकश कर रहे हैं। हम दोस्तों इसको एक ऐसा मिश्रण बना के तैयार कर रहे हैं जो आपके घर में इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कॉकरोच, चूहे, छिपकलियाँ, वो खींची चली आती है इन पॉपकॉर्न्स को देख के। लेकिन जब हम इसमें एक ऐसा मिश्रण मिला देंगे जिनसे वो दूर भागती हैं, जिनसे वो ये सोच के भागेंगी कि यार ये तो अब हमें नहीं खाना, पहले वो इसके पास आएंगी और फिर उसके बाद इसमें जो मिश्रण डाला है हमने, जैसे कि साबुन और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर हम इसमें मिला रहे हैं एक चम्मच, और इसको मिक्स करेंगे ढक्कन लगा के। इससे आपके चूहे दूर भागते हैं, छिपकलियाँ दूर भागती हैं, वो अगर इसको लेंगी तो इसको लेने के बाद दूर भाग जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक होता है उनके लिए और इसीलिए वो ये लाइक नहीं करती हैं। ये किचन टिप दोस्तों हमें एक चूहे भगाने की और मारने की दवाई बेचने वाले ने बताई थी, और तब से ये सभी के काम आ रही है। ये एक बहुत ही अच्छा चूहों का रिपेलेंट है, लिजर्ड्स का रिपेलेंट है, उनको दूर कर देता है। आशा करता हूँ ये मिश्रण आपके बहुत काम आएगा। अब आप इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं, आप इसे सोफे के नीचे घर में रख सकते हैं, टेबल्स के नीचे, बेड के नीचे, वॉशरूम में जहाँ पे कॉकरोचेज आते हैं, चूहे आते हैं, तो जहाँ जहाँ आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों जब तक हम ये रखते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, किचन टिप कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो शेयर नहीं करा है तो ज़रूर कीजिए, और ये ज़रूर बताइएगा आप कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। ये देखिए दोस्तों, हमने ये ऐसी ऐसी जगहों पर रख दिया जहाँ पर हमारी पहुँच
इन इंसेक्ट्स के लिए, इन कीड़ों के लिए, इन छोटे छोटे चूहों के लिए नहीं पहुंचती, वहां भी पहुंच जाएगी। मैं चलता हूं अपना, ध्यान रखिए दोस्तों।